नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों, स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की तरफ से सीधी भर्ती आ गई है। जी हाँ दोस्तों, स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी वैकेंसी आया है यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल की अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली के डेली बेसिस पर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी आपका तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की तरफ से जारी किया है। यहाँ पे 62 असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट डेट यहाँ पे 7/9/2019 को यहाँ पे पोस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आया है तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, यहाँ पे वैकेंसी आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दें, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी लगेगा आपका अप्लाई करने के लिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 600 रुपया लगेगा आपको एप्लीकेशन फी। अगर हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 300 रुपया आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड पे, यानी कि दोस्तों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ये पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की, तो आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वो आपका 8 सितंबर से शुरू हो गया है, यानी कि कल से शुरू हो गया। लास्ट डेट की अगर हम बात करें यहाँ पे 30 सितंबर को रखा गया है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो 30 सितंबर से पहले आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की, तो यहाँ पे 2 नवंबर को यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, इस एग्जाम होगा इस वैकेंसी के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 20 से लेकर 28 साल रखा गया है। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हो या तो फिर पीएच कैंडिडेट हो, तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एज पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है केवल डिग्री। अगर आपने ग्रेजुएशन हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपका बस होना चाहिए। अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स, यहाँ पे दोस्तों टोटल स्टाफ असिस्टेंट पोस्ट के लिए 62 वैकेंसी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट को जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट पर पूछ सकते हो, मैं आपको कॉमेंट पर जरूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।